देखा तुमने, चलना कितना आसान है, बस एक पंजे के आगे दूसरा पंजा रखो। हाँ जूनियर, तुम समझ गए, बस ऐसे ही चलते रहो। चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, पर तुम्हें चलते रहना पड़ेगा, रुकना नहीं है, समझे? हमें तो काम से धक्के मार कर निकाल देंगे। हाँ, क्या करें अब बताओ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मोटू, कभी सोचा नहीं था बच्चों को सिखाना इतना मुश्किल काम है। मेरे अंदर तो बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है हमारा खजाना ढूंढने के लिए। लुटेरे हमेशा लुटेरे ही रहेंगे। महामहिम, दूसरे देश के राजदूत पधारे हैं, उन्हें अंदर ले आइए। अभी लाया श्रीमान। पहले कभी राजदूत से नहीं मिला, अब मैं क्या करूं? महामहिम श्रीमान बारडे, राजा लियोपोल्ड तृतीय के विशेष राजदूत। अरे मोटू, वहां देखो, कहां देखो, मंदिरों के हाथों में शायद खजाना है। तुम्हें लगता है? महाराज सिम्बा, हमारे राजा लियोपोल्ड ने आपके लिए कुछ विशेष उपहार भेजा है। वो चाहते हैं कि इन राज्यों के बीच पुरानी मित्रता फिर से लौट आए। मुझे यह जानकर खुशी हुई, मैं हमेशा चाहता था कि चारों ओर शांति बनी रहे। उनकी दोस्ती का मामूली उपहार कृपया कबूल करें, यहाँ ले आए। आ, 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 आ,
पेश है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम दोनों कहाँ चल रही हो? हमें जाने दो, मैं खजाना देखना है। जाने दो ना। आपके राज्य में खुशहाली बनी रहे महामहिम। चलो, मैंने तुम्हें मेरे साथ रुकने के लिए कहा था। मोटू, अभी तो ये शुरुआत है। इतना बढ़िया है। चुप रहो मोटू, उसे कहीं छिपा लो। माफी चाहूंगी महामहिम, इन बच्चों ने अभी तक ठीक से चलना सीखा नहीं है और ना ही मेहमानों का ख्याल है। आप माफी मत मांगिए रानी साहिबा, मेरे भी बच्चे हैं, मैं समझ सकता हूँ। और आखिर ये इनका महल है। बस करो आप, माफ कीजिएगा वरना ये दोनों मेरे पास से भाग आए। मैं एक पल के लिए मुड़ा और मैंने देखा ये दोनों वहाँ से यहाँ चले आए। ये बच्चे, इस उपहार के लिए आप अपने राजा को मेरा धन्यवाद कहिए। जी अवश्य महामहिम। क्या हुआ? देखो, मेरे वाला तुमसे बड़ा है। नहीं, मेरा वाला बड़ा है। अरे नहीं, माफ कीजिएगा राजदूत महोदय, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं। इतने खूबसूरत हीरे आपको कहाँ से मिले? सीधी सी बात है, हमारे राज्य से आए हैं। वाकई? सही सही, किस जगह से? मुझे बताने की इजाजत नहीं है। अब बस करो मोटू। माफ कीजिए श्रीमान, ये दोनों खजाने को देखकर चकाचौंध हो गए हैं। अब मुझे चलना होगा, रास्ता लंबा है। इतने जोशीले स्वागत के लिए धन्यवाद। जाकर अपने राजा को सारी बातें जरूर बताऊंगा। लगता है वो जा रहा है। शायद उसे कुछ और पता हो। मुझे भी यही लगता है। मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाए तो आपके राजा को धन्यवाद देने मैं खुद वहाँ आऊंगा। अलविदा महामहिम, सफलता आपके कदम चूमे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी यात्रा मंगलमय हो। श्रीमान जी, क्या आप हमें बताएंगे कि आपको ये खजाना मिला कहाँ से? शाही गुफा के नीचे पत्थरों मिट्टी में रहने वाले कुछ चुचंदर ले आए थे राजा के लिए। सच में? आपने क्या कहा, शाही गुफा? हाँ, जब वो बिल खोदते हैं तो उनको ये पत्थर मिलते रहते हैं, मुझे तो यही पता है। जमीन में उनके बिल कहाँ तक जाते हैं? मुझे नहीं मालूम, चुचंदर बड़े ही अगर तुम वाकई ही कीमती पत्थर खोजना चाहते हो तो यहाँ भी खोज सकते हो,
यहाँ? हाँ, ये गुफाएं भी हमारी गुफाएं जैसी ही दिखती हैं। यकीनन इनके नीचे भी हीरा, पन्ना, रूबी इत्यादि कई रत्न होंगे। आपको सच में ऐसा लगता है? अरे आप हमसे मजाक? ये सच है मेरे दोस्तों, लुटेरों से ज्यादा अनुभव मेरे पास है। अब मुझे निकलना होगा, शुभकामनाएं। धन्यवाद, हम वहाँ खोज लेंगे। धन्यवाद, हम वहाँ खोज लेंगे। शुक्रिया, अलविदा। उन्होंने बड़ी मजेदार बात बताई, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई। अगर गुफाओं के अंदर कीमती खजाने भरे पड़े हैं, तो हमें अभी तक मिले क्यों नहीं वो? क्योंकि हम बच्चों की देखरेख में ज्यादा उलझे हुए थे ना, अब हम खोजना शुरू करेंगे। अगर हमसे पहले खजाना किसी और के हाथ लग गया तो हम क्या करेंगे मोटू, बोलो? मुझे नहीं लगता, खजाने की दिलचस्पी सिर्फ डाकुओं को ही होती है, और इनमें से किसी में भी डाकू के लक्षण नहीं दिखते, कोई भी ढूंढने नहीं जाएगा। शुरू कहाँ से करेंगे मोटू, हमें काफी दिन लग जाएंगे यहाँ का नक्शा बनाने में। जरूर, पर हम पीछे नहीं हटेंगे पतलू। सही कहा तुमने, हमने ठान लिया है, और इसके इनाम में हमें मिलेगा वो बेशकीमती खजाना। हमारा सपना आखिर पूरा होने जा रहा है। अब कौन सी खुराफात सोच रहे हो? इस गुफा को खोद कर अंदर छिपे कीमती खजाने को खोज निकालेंगे। मैं भी चलूं? क्या है ना कि शायद हमें जमीन के अंदर जाना पड़े। पागल हो क्या? अगर तुम दोनों जमीन के अंदर खो गए तो? लुटेरों को दिशा का सही अंदाजा रहता है। बच गए हम, अगर वो आता तो उसे भी हिस्सा देना पड़ता। हाँ सही कहा तुमने, सिर्फ हम दोनों ही है ना। डरो मत मोटू, क्योंकि उसने कहा हम भटक सकते हैं। अरे घबराओ मत, आओ। हाँ। देखो एक सुरंग। सच में? हाँ। अरे कुली भी है, आ जाओ। कितनी सक्रिय है। ए भगवान, शिकायतें बंद करो, अभी तो शुरुआत है। बहुत पतली है ये सुरंग, पता नहीं खजाना हमें मिलेगा भी कि नहीं इसमें। अब आप ही जाओ। बच्चे मत बनो मोटू। कितनी गर्मी है। सब ठीक होगा, आ जाओ अंदर। तुम आ रहे हो कि नहीं मोटू, आ जाओ। अगर यूं ही चलना होगा तो मैं सोचता हूँ कि खजाने को वहीं छोड़ देना चाहिए। तुम नहीं फंसोगे, पहले सर अंदर डालकर देखो, वो घुस जाएगा तो शरीर भी निकल आएगा। अब चलो कोशिश करो। मुझे लगता है मैं इसके लिए कुछ ज्यादा ही मोटा हूँ, कहीं मैं फंस ना जाऊं पतलू। मैं मदद करता हूँ। चलो अब कोशिश करो। मैं नहीं घुस पाऊंगा, ये बहुत छोटा है। ए भगवान, लगता है मैं फंस गया। मेरे पास एक तरीका है, देखो मुझे। इस तरह से तुम्हें अपनी सांस अंदर रोक रखनी है। अच्छा हुआ आज मैंने नाश्ता कम ही खाया था, नहीं तो मैं फंस ही जाता। तुम्हें अपना ये मोटा पेट थोड़ा घटा लेना चाहिए। अब सांस ले लो और आगे बढ़ो, खजाने तक पहुंचने में कहीं साल ना बीत जाए। हम काफी समय गंवा चुके हैं, और ज्यादा देर नहीं कर सकते हम लोग। अगर मालूम होता खजाना ढूंढना इतना मुश्किल काम है तो मैं भी राजा बन जाता सिम्बा की तरह। राजा बनना इतना आसान नहीं है मोटू, इसके लिए तुम्हें पढ़ाई चाहिए, और साथ ही तुम्हारे पिताजी का भी राजा होना जरूरी है। और कहाँ तक चलना होगा, मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं चला जा रहा। हिम्मत मत हारो। सुरंग कहीं जा भी रही होगी क्या पतलू? तो फिर इसे खोदा क्यों गया है बोटू? डाकुओं को परेशान करने के लिए, जिसने भी ये बनाई होगी। शेर के बच्चों को चलना सिखाने जितना मुश्किल तो नहीं है ये, खजाने के बारे में सोचते रहो बस, तुम्हें सब आसान लगेगा। ठीक है, पर सुरंग के उस पर कुछ नहीं मिलेगा, मेरी बात मान लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। देखो हम तय कर चुके हैं, आ जाओ। इसके लिए कहना आसान है क्योंकि इसके पास मोटा पेट जो नहीं है। मोटू जल्दी। आ रहा हूं। देखो वहाँ। क्या है वो? मुझे नहीं पता, वहाँ रोशनी सी है, आओ चलें। हाँ पर दोनों साथ साथ रहेंगे। जो भी है ये, पर गर्मी बहुत लग रही है यहाँ पर। अगर कोई शैतान हुआ तो पहले मुझे ही खाएगा वो।
बस करो मोटू, तुम एक लुटेरे हो, यहाँ कोई शैतान नहीं है, समझे तुम? तुम्हें इतना यकीन कैसे है? जिंदा नहीं बचने वाले, बच गए। हमने कर दिखाया। हम हैं कहाँ? मुझे नहीं पता, हम तंदूरी बन जाते। किस्मत ने बचा लिया हमें। हम बच गए। अभी और कुछ होना बाकी है। अब कुछ नहीं होगा, पानी बहुत शांत लग रहा है। ऊपर आ जाओ। सामने देखो, शैतानी मत करो सिम्बा, चूहे अभी तक नहीं आए। हाँ, चिंता मत करो, दोनों ठीक ही होंगे। शुक्र है दोनों कुछ तो कर रहे होंगे, काफी समय से दोनों बहुत बेचैन लग रहे थे। जब तक वो दोनों नहीं आएंगे तब तक मुझे ही दोनों बच्चों की देखरेख करनी होगी। मैं साथ हूँ ना। ओ महिम, रेगिस्तान के राजदूत अभी अभी पधारे हैं। उन्हें फौरन अंदर ले आइए सेनापति, वे काफी दूर से यहाँ आए हैं। ठीक है, नीचे उतरो, जाओ अब। तुम्हारे पिताजी को अब जरूरी काम करना है। छोड़ दो लूस, पिताजी को जाना है। माननीय श्रीमान एस्पिक, रेगिस्तान के राजा के राजदूत।
हमें खजाना मिल गया। ये सारे कीमती पत्थर हमारे हैं, हम बहुत अमीर हैं। हम अमीर लुटे रहे हैं। मजा आ गया मोटू। हमारे सपने सच हो गए। मुझे वाकई यकीन नहीं हो रहा। विश्वास नहीं होता मोटू, इतना बड़ा खजाना हमें मिला है। मोटू देखो इतने सारे हीरे, नीलम, पन्ना। तुम अंदाजा लगा रहे हो पतलू, ये पत्थर कितने कीमती हैं। हम अमीर बनेंगे और अब हमें कोई चिंता नहीं होगी। मजा आ गया मोटू, हम अमीर हो गए। कितना अच्छा लग रहा है ना। ये सब हमारा है। माँ महिम कृपया हमारी दोस्ती के लिए मामूली भेंट स्वीकार कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजदूत। हमें खुशी हुई। पहले हम सुरंग में गिरे, फिर आसमान से नीचे उतर गए, फिर हम नदी में गिरे और बर्फ का टुकड़ा बहाकर हमें यहाँ ले आया। हाँ सिम्बा, हम अमीर हैं, हमें कीमती पत्थरों वाली एक गुफा मिल गई है। आपके बिच्छू निश्चिंत रह सकते हैं श्रीमान, ये हमारे दोस्त हैं। हम अमीरों से भी अमीर हैं। मैंने जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीज देख ली है। इन्होंने सपना देखा होगा। आपका आदेश हो तो महाराज हम चलते हैं। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा एस्पेक, आपकी यात्रा शुभ हो। हमने खुद को चिकोटी भी काटी थी ये जानने के लिए कि सच है या सपना। चारों तरफ सतरंगी पत्थर भरे पड़े थे। क्या हुआ? पानी का बहाव हमें गुफा से बाहर ले आया और हम गिर गए बर्फ के टुकड़े पर और नदी में, और फिर हम यहाँ पहुँच गए। उन पत्थर को बाहर लाने में आपको हमारी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इतना वजन उठा पाना हम दोनों के बस की बात नहीं है। आप खजाने में से हिस्सा ले सकते हैं, बताइए। अब हमारा खजाना सुरक्षित है, अब हमारे खजाने को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैदान साफ है, आसपास कोई नहीं है, मैं पहरा दूंगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, खजाने की तलाश में हम पूरी दुनिया का चक्कर काटा है पर खजाना हमारे पैरों के नीचे ही दबा पड़ा था। इससे पता चलता है कि कई बार हम सामने पड़ी चीजों को देख नहीं पाते। काश ये खजाना हमें बहुत पहले मिल गया होता तो कितना अच्छा रहता है ना। हाँ। अच्छा हुआ हमने सुरंग में घुसने के बाद हार नहीं मानी। क्यों? सही कहा, नहीं तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। पता है अब हम अमीर हैं, एक नाव खरीद कर और खजाने की तलाश में निकल सकते हैं। क्या सोचा है तुमने, क्या बात है। शुक्रिया सर। फेरे लुटेरे। लुटेरे हमेशा लुटेरे ही रहेंगे, चाहे कितना भी मिले उन्हें हमेशा कुछ ज्यादा की ही तलाश रहती है। शुरू कहाँ से करें? मुझे नहीं पता है, किसी टापू से। मोटू और पतलू बारी बारी अपने नए खजाने की पहरेदारी करने लगे। दिलचस्प बात ये थी कि किसी की नज़र उनके कीमती पत्थरों पर नहीं थी। सब इसी में खुश थे कि उनके लुटेरे दोस्तों का सपना पूरा हो गया। अगले एपिसोड में देखिए कि मोटू पतलू लूट की क्या योजना बनाते हैं।